हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि यूटीजीएसटी हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं टेली erp-9 में। तो ये यूटीजीएसटी की पहली वीडियो है और यूटीजीएसटी पर बहुत कम ही वीडियोस अवेलेबल हैं टेली erp-9 की, तो मैंने सोचा कि क्यों ना यूटीजीएसटी पर भी वीडियो बनाया जाए। यूटीजीएसटी यानी यूनियन टेरेटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ कुल मिलाकर 7 यूनियन टेरेटरी हो चुकी है, ठीक है, इंक्लूडिंग लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर। तो अभी हम क्रिएट कंपनी वाले विंडो पे हैं, अल्ट के साथ F3 दबाएंगे तो आप यहाँ आ जाएंगे। अब यहाँ से सी प्रेस कीजिएगा, तो जैसे ही सी प्रेस करेंगे तो फॉर्म खुल जाएगा आपके सामने। मैं यूटीजीएसटी के ही नाम से कंपनी बना लेता हूँ, तो यहाँ लिखा मैंने यूटीजीएसटी, एंटर प्रेस किया और यहाँ पे एड्रेस डाल देता हूँ अंडमान निकोबार। ओके, इसके बाद इंटरफेस करते हुए नीचे आ जाएंगे। यहां पर स्टेट क्या डालेंगे, अंडमान निकोबार डालेंगे। यहां पे ए प्रेस कीजिएगा तो अंडमान निकोबार शो होने लगेगा, यहां पे आप देख सकते हैं। इसको आप सेलेक्ट कीजिएगा, इंटरफेस कीजिएगा और इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं, ठीक है। ठीक है ना, अब ये एक्सेप्ट कराने के बाद हमें करना क्या है, सिंपली आना है यहां पर और कुछ चीजें हमें इनेबल करनी होंगी, जैसे कि जीएसटी इनेबल करना है इस फॉर्म में। तो जीएसटी इनेबल करने के लिए हम F11 की प्रेस करेंगे, कंपनी फीचर के विंडो पे आ जाएंगे और यहाँ से स्टेटरी एंड टैक्सेशन पे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको करना है वाई प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे तो ये यस हो जाएगा और यस करके सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को भी यस करेंगे। यहाँ पे स्टेट में अंडमान निकोबार कोई भी एक यूनियन टेरेटरी स्टेट ले लीजिएगा सिवाय दिल्ली और पांडिचेरी के, ठीक है। यहां पे रेगुलर ही रहेगा, ठीक है, और यहां पे जीएसटी वाई एन नंबर मैं डाल देता हूं 35, ये कुछ ऐसे जीएसटी वाई एन नंबर हो जाएगा। ये इंटरफेस किया हमने, मंथली रहेगा ये। और यहां पे गुड्स एंड वैल्यू, टैक्सेबल गुड्स एंड वैल्यू रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे टैक्सेबल गुड्स एंड वैल्यू रखेंगे, इंटरफेस करेंगे और यहाँ पे इंटरफेस करते हुए इसको एक्सेप्ट कराएंगे। तो अभी यहाँ पे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल आ रहा है, इसको यस करिए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्राइमरी, ठीक है, कोई भी आइटम होगा प्राइमरी आइटम कर देता हूं मैं, ठीक है, इंटरफेस किया। और यहाँ पे HSN कोड आएगा तो HSN कोड हम डाल देंगे, इंटरफेस करेंगे और यहाँ पे टैक्सेबल रखेंगे। ओके, टैक्सेबल करने के बाद यहाँ पर इंटीग्रेटेड टैक्स आ रहा है, तो देखिए यूटीजीएसटी यहाँ शो होने लगा है। जैसे ही हमने अंडमान निकोबार सेलेक्ट किया है तो यहाँ यूटीजीएसटी ऑप्शन शो होने लगा, पहले ये नहीं आता था। तो ये होगा कैसे, अगर सेम राज्य में माल बेचा जाता है, ठीक है, अगर सब कुछ ये जम्मू कश्मीर से ही जम्मू कश्मीर में माल बेचा जाता है या किसी भी यूनियन टेरिटरी में जिसपे की यूटीजीएसटी अप्लाई होता है, तो सेम अगर स्टेट में माल बेचा जाता है तो वहां पर यूटीजीएसटी और सेंट्रल टैक्स, ठीक है, दोनों अप्लाई होगा एक साथ। जैसे कि हम वहां स्टेट टैक्स और सेंट्रल टैक्स करते थे अन्य राज्यों के लिए, सेम राज्य अगर होता था उसमें माल बेचा जाता था तो ये करते थे हम, उसी तरह से यहां पर भी करेंगे। तो यहां पे 7% हमने क्या किया, टैक्स लगा दिया। अगर हम बाहर माल बेचेंगे या खरीदेंगे तो वहां पर IGST ही अप्लाई होगा। चलिए इंटरफेस करते हैं, एक्सेप्ट कराते हैं इसको, एक्सेप्ट कराया हमने और इसको भी एक्सेप्ट करा लेते हैं, ठीक है। और अब हम आ जाएंगे अकाउंट इन्फो, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा, इंटरफेस करेंगे, कुछ लेजर हमें बनाने होंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं क्रिएट पर और यहां बनाते हैं कैपिटल अकाउंट का लेजर। तो यहां लिखता हूं मैं कैपिटल अकाउंट, ओके, इंटरफेस किया और यहाँ पे आइए अंडर कैपिटल अकाउंट जाएगा तो यहाँ पे सी प्रेस करेंगे तो साइड में आपको कैपिटल अकाउंट दिखाई पड़ जाएगा, इंटरफेस करेंगे, इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। कैपिटल अकाउंट के बाद सन्ड्री डेटर और सन्ड्री क्रेडिटर पार्टी का लेजर, मैं लिखता हूं राम क्रेडिटर, ठीक है, क्रेडिटर मैं पहचान के लिए लिख रहा हूं ताकि पहचान हो जाए कि ये क्रेडिटर पार्टी है। सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर इसे डालेंगे हम, तो यहां से सन्ड्री क्रेडिटर कर देते हैं, इंटरफेस करते हैं। मेंटेन बिल वाइज डिटेल को मैं यस रख रहा हूं, इंटरफेस करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लेंगे, ठीक है। ये जो पार्टी है वो अंडमान निकोबार की ही है, इंटरफेस किया हमने। अब क्या करना है, अब डेटर पार्टी का लेजर, तो अवनीश डेटर कर देता हूं मैं,
DEBTOR, ओके एंटर प्रेस किया हमने। अब यहां पे एस प्रेस कीजिए तो सेंडिडेटर भी साइट में आपको ग्रुप दिख जाएगा, यहां पे सेंडिडेटर सेलेक्ट कर लीजिए एंटर प्रेस करके और इसको भी कर लीजिए एक्सेप्ट, ओके तो ये एक्सेप्ट करा लिया आपने, तो सेंडिडेटर सेंडिक्रेटर पार्टी हो गई हमारी। अब यहां पे आईजीएसटी का लेजर बनाता हूं मैं, ठीक है आईजीएसटी लगाया हमने और ये जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, तो यहां से ड्यूटीज एंड टैक्सेस चूज कर लेंगे हम, एंटर प्रेस किया हमने, यहां पे जीएसटी रखेंगे और यहां पे देखिए अब आईजीएसटी हम लगा रहे हैं तो इंटीग्रेटेड टैक्स होगा ये, ठीक है इंटीग्रेटेड टैक्स किया हमने और यहां राउंडिंग मेथड नॉर्मल राउंडिंग रखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे इसको एक्सेप्ट करा लेंगे, ठीक है आईजीएसटी हो गया। अब सीजीएसटी बनाते हैं और यहां पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस ही होगा, यहां जीएसटी होगा, यहां पे सेंट्रल टैक्स होगा और इसको नॉर्मल राउंडिंग रखेंगे और एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा लेंगे, ओके। अब यहां पर क्या करना है, यूटीजीएसटी का लेजर बनाएंगे, यूटीजीएसटी ये तो इसके पहले वाली चीजें तो आप पहले भी करते आ रहे हैं लेकिन यूटीजीएसटी आपने नहीं किया है, तो यहां पे आप सिलेक्ट कीजिए यूटी टैक्स, ओके एंटर प्रेस कीजिए और यहां नॉर्मल राउंडिंग करके इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं। तो लगभग सारे लेजर हम बना चुके हैं, परचेज अकाउंट का लेजर भी हमें बनाना है तो यहां लिखता हूं परचेज अकाउंट, ओके एंटर प्रेस किया हमने और ये जाएगा अंडर परचेज अकाउंट में, पी प्रेस कीजिए साइड में आपको ग्रुप्स दिख जाएंगे परचेज अकाउंट के, यहां परचेज अकाउंट कर दीजिए एंटर प्रेस करके और इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं, यहां गुड्स रखेंगे। अब सेल्स अकाउंट का लेजर बना लेते हैं, अगर सेल्स की जरूरत पड़ेगी तो सेल्स अकाउंट भी कर लेंगे हम, यहां से एंटर प्रेस किया और यहां पे एस प्रेस करेंगे तो साइड में आपको ग्रुप्स दिख जाएंगे और यहां सेल्स अकाउंट करेंगे एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कराएंगे, ओके यहां पे इसको नो ही रखेंगे और यहां पे गुड्स रहेगा एंटर प्रेस करके और इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। तो ये हमारे पास सारे लेजर्स बन चुके हैं, अब हमें चलना है यहां पे गेटवे ऑफ टैली पर और यहां से हमें अकाउंटिंग वाउचर में जाना है, तो वी प्रेस करूंगा तो अकाउंटिंग वाउचर में मैं आ जाऊंगा। अब हमें जाना है रिसिप्ट वाउचर में, तो रिसिप्ट वाउचर के लिए आपको F6 प्रेस करना है, फंक्शन बटन F6 दबाइएगा तो रिसिप्ट वाउचर में आ जाएंगे। अब यहां कैपिटल अकाउंट को हम कर देते हैं क्रेडिट, ठीक है कुछ पैसे इसमें डाल देते हैं यानी बिजनेस को कुछ पैसे लगा देते हैं, तो ये हो गया। और यहां से अब हम क्या करेंगे, कैश को जिसका लेजर हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, कैश का लेजर हमें बनाने की जरूरत नहीं, तो कैश को यहां पे लिख देते हैं एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं। तो बिजनेस में हमारे पास पैसा हो गया, अब हम यहां पर कुछ खरीदारी कर सकते हैं, तो चलिए करते हैं खरीदारी, चलते हैं अकाउंटिंग को और यहां पे F9 प्रेस करता हूं तो अब यहां पे सप्लायर इनवॉइस नंबर डालना है परचेज वाउचर में, ठीक है तो आइए यहां पे सप्लायर इनवॉइस नंबर डाल देते हैं, ये डाल दिया हमने सप्लायर इनवॉइस नंबर और 1 अप्रैल को ही हम परचेज कर रहे हैं। सन्ड्री क्रेडिटर पार्टी का लेजर लेके आएंगे, तो यहां सन्ड्री क्रेडिटर कर दिया हमने, ठीक है यहां पे देखिए स्टेट मैंने चूज किया अंडमान निकोबार आइसलैंड, अगर कोई और स्टेट अगर आप चूज करते हो तो वो यूटीजीएसटी नहीं आएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए परचेज अकाउंट का लेजर आ जाएगा, इंटरफेस किया हमने, यहां पर स्टॉक आइटम जो हमने बनाया था कीबोर्ड उसको ले लेंगे, ठीक है हम चाहे तो और भी स्टॉक आइटम बना सकते हैं, यहां 7 कीबोर्ड हम कर रहे हैं परचेज, ओके इसके बाद यहां पर कोई और स्टॉक आइटम अगर हमें बनाना हो तो अल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे और यहां पे स्टॉक क्रिएशन कर लेंगे हम, जैसे सपोज कीजिए मैं लिख रहा हूं यहां रेडमी मोबाइल, ठीक है तो ये हमने परचेज करा और यहां से इसको आइटम कर देता हूं मैं और जीएसटी एप्लीकेबल ही रहेगा, ये गुड्स है इंटर प्रेस करके और इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब कितने आइटम खरीद रहे हैं, 5 आइटम खरीद रहे हैं, 1 आइटम कितने का है, 7,800 रुपए की खरीद रेट हमारी पड़ रही है, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले लगाते हैं सीजीएसटी, यहां सी प्रेस करूंगा, सीजीएसटी का लेजर हमने पहले से बनाया है, यहां सीजीएसटी आ गया। अब यहां पे चूंकि यूनियन टेरिटरी का मामला है तो यू प्रेस करूंगा तो यूटीजीएसटी आ जाएगा। अब देखिए यहां पे यूटीजीएसटी भी लगाया हमने, सीजीएसटी भी लगाया, ठीक है इंटर प्रेस किया और इसको एक्सेप्ट करा लिया। यहां पे न्यू रेफरेंस करेंगे हम, आप देख सकते हैं यहां पे ये विंडो बिल वाइज डिटेल को मैंने यस किया था तो यहां न्यू रेफरेंस कर देंगे और इसको एक्सेप्ट करा लेंगे, ठीक है ये हमने कर लिया परचेज अकाउंट की एंट्री। अब हम आएंगे सेल्स बाउचर में, तो यहां सेल्स बाउचर में आने के लिए F8 प्रेस करेंगे, सेल्स बाउचर में आ गए। अब यहां पे डाल देता हूं रेफरेंस नंबर और यहां पे अब डेटर पार्टी का लेजर, ठीक है इंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कराएंगे, यहां पे आ गए हम, ठीक है। अब यहां पर सेल्स अकाउंट का लेजर आ जाएगा, तो ये सेल्स अकाउंट का लेजर ले लिया हमने। तो रेडमी मोबाइल की बात करेंगे हम, तो रेडमी मोबाइल की हमने यहां पे 2 आइटम हम सेल कर रहे हैं, 8,000 के रेट से हम सेल कर रहे हैं, इंटरप्रेस किया हमने तो यहां पे टोटल अमाउंट आ गया। यहां पे लगा देंगे, सबसे पहले मैं यूटीजीएसटी ही लगा लेता हूं, तो ये यूटीजीएसटी लगाया हमने और यहां पे अब सीजीएसटी,
तो उम्मीद करता हूं ये UTGST और इसको आप एक्सेप्ट करेंगे, न्यू रेफरेंस यहां करेंगे और इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये CGST और UTGST वाला वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा, कमेंट में करके हमें जरूर बताइएगा। यहां पे डी प्रेस करेंगे गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद, दो बार डी प्रेस करेंगे और जो हमने एंट्री बनाई थी परचेज और सेल्स में वो यहां पे ये वाली एंट्री यहां पे हमने कर रखी है। तो ये यहां पे अगर इसको प्रिंट निकालना है तो ऑल्ट के साथ पी प्रेस कीजिएगा, प्रिंट भी निकल जाएगा। इसको सेव करता हूं मैं यू टी के नाम से सेव करता हूं, ठीक है ये सेव हो जाएगा। अब ये प्रिंट यहां से निकलेगा, यहां आप देख सकते हैं यूटी के नाम से था, यहां पे डबल क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं ये हमारा बिल है, इसमें यूटीजीएसटी लगा हुआ है यानी यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और सेंट्रल टैक्स लगा हुआ है। इस तरीके से करके हम यूनियन टैक्स यूनियन टेरिटरी में भी टैक्स लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।